शनिवार तड़के कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गवाह बहनों के हमले के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में मुकदमा वापसी का दबाव बना रहे आरोपितों के जानलेवा हमले से घायल पीड़िता की मां की अस्पताल में मौत हो गई थी। दरअसल जाजमऊ के पास से पुलिस ने मुठभेड़ में दो आरोपी परवेज और मोहम्मद आबिद को दबोच लिया। बता दें कि एक दुकानदार की नाबालिग बेटी से कुछ युवकों ने दुष्कर्म का प्रयास किया था। मामले में क्षेत्र के महफूज, आबिद, जावेद, परवेज उर्फ मिंटू और महबूब के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी पीड़िता के परिजनों पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बना रहे थे। मामले में पीड़िता की मां और उसकी भाजपा नेत्री मौसी गवाह थी। आरोपी कई बार घर आकर गवाहों को धमका चुके थे। आरोपियों से जमीनी विवाद भी चल रहा था। 9 जनवरी को आरोपियों ने घर में घुसकर चापड़ से जानलेवा हमला किया था, जिसमें गवाह बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पुलिस ने पीड़िता की मां को LLR अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई थी। ये आज एक रूबी नाम की महिला की डेथ हुई है। ये घटना 9 तारीख की थी। पड़ोस पड़ोस के दोनों एक ही संप्रदाय के लोग हैं और इसमें जो पीड़िता पक्ष है उसके भाई और जो मुल्जिम पक्ष है, ये दोनों आपस में पड़ोसी होने के कारण साथ में शराब वगैरह पीने लगे थे और इस बात को लेकर के पीड़िता पक्ष को ये था कि उसके भाई को मुल्जिम पक्ष बर्बाद कर रहे हैं, उसका पैसा खर्च करा रहे हैं। ये शिकायत एक हुई थी, जिस शिकायत पर पुलिस ने इनके यहाँ दबिश दिया था। ये लोग भाग गए तो अगले दिन आकर के इन लोगों ने इनके साथ मारपीट किया, जिसमें कि 3 की गिरफ्तारी हुई। एक को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी और जो मेन 3 मुलजिम थे वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अन्य और अभियुक्तों के विरुद्ध 216A संरक्षण देने की, षड्यंत्र रचने की और अन्य जो अभियुक्तगण हैं उनके लिए 5 टीमें गई हुई हैं। साथ ही में ये घटना 2018 को भी एक घटना और हुई थी कि ये जो पीड़िता पक्ष है इनके साथ छेड़छाड़ का एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें इन लोगों ने मुलजिम पक्ष में जमानत करा दिया था और उसके पश्चात ये लोग अभी हाल की घटना ये आपस में बैठकर शराब पीने को लेकर के हुई थी।